किसान सम्मान निधि के तहत अपने खातों में पैसे पहुंचने पर जहां कई किसान खुशी से झूमते दिखे, वहीं कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को पीएम का संबोधन बिल्कुल रास नहीं आया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की राशि डाली और अपने खाते में पैसे आते ही किसान गदगद हो गए। न्यूज 24 से बातचीत में दिल्ली के किसानों ने मोबाइल पर वो मैसेज भी दिखाया। जिस तरह से पीएम का संवाद हुआ उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से हमारे खातों में जो पैसा आ रहा है किसान निधि के तहत, वो हमारी खेती के लायक इतना लाभकारी है कि हमें अपने परिवार चलाने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जितने भी बैठे सब छोटे आदमी बैठे धरने पे, जितने बैठे हैं जी, जो आज तक इन्होंने देश के लिए कोई भलाई का काम तो किया नहीं, अब मोदी जब भलाई का काम कर रहे हैं तो पैसा आपके पास पहुंच चुका है। हां जी, पैसा आ चुका है, पैसा आ चुका है। पटना के किसानों ने भी किसान सम्मान निधि की राशि मिलने पर खुशी का इजहार किया, पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पटना में किसानों के खाते में पैसे आने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ पटना फुलवाड़ी शरीफ के कई किसान हैं जिनके खातों में पैसे आ गए हैं। ये बताइए कि आपके खाते में पैसे आ गए, आपका घर कहाँ है? हम जहानाबाद के नारायणपुर ग्राम से आते हैं सर। 2,000 रुपया आज के डेट में आ गया है। जो किसान है वह आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है जो कृषि बिल है वह गलत है, वो नीति गलत है और विपक्षी दल का जो है आदमी वो करवा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में किसानों की आंदोलन स्थल पर नजारा बिल्कुल जुदा था। पीएम मोदी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से संवाद कर रहे थे, टिकरी बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी किसान पीएम मोदी के विरोध में ताली थाली बजा रहे थे, पीएम मोदी पर आंदोलनकारियों से मुंह मोड़ने का इल्जाम लगा रहे थे। साथ टिकरी बॉर्डर पे ही किसान लोग जो कि प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे और एक नए तरीके से वो प्रधानमंत्री से अपनी कुछ बातें कहना चाहते हैं और उनका कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ताल और थाल बजाने की क्या मकसद है। सबसे पहले मैं आपसे पूछते, इतना बड़ा ये ड्रम आप क्यों बजा रहे हैं? आप हमारी अपने मन की बात उनको सुनाना चाहते हैं कि हम उनका उन विरोध करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं कहा। उम्मीद थी सारे किसानों को भी आज प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ किसानों के लिए जरूर सोचेंगे, पर फिर भी नहीं सोचा उन्होंने किसानों के लिए, वो अपनी अड़ी पर ही अड़े हुए हैं। नाराज किसानों का कहना था कि पीएम प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कृषि कानूनों को वापस लेने की उनकी मांग को अनसुना कर रहे हैं। हाँ जी, जो 2,000 रुपया दे रही है किसानों को, सानू मुझे वो नहीं चाहिए जी, मुझे अपने काले कानून वापस चाहिए, हम रोटी खाएंगे उससे। हाँ जी, हाँ जी, यही बात है। जो पंजाब हरियाणा ये 2,000 रुपए की मांग नहीं करता, ये मांग करता है जो काले कानून तीनों वापस ले सरकार। फैसला है कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, सभी रद्द होने चाहिए, कुल बात करने चाहिए था। जो तो मान लो 6 बार या 7वीं बार बात करना है किसान बंदे की, उसको साथ लेकर आज बात करते तो थोड़ा और शायद अच्छा हो जाता। ठिठुरती ठंड के बावजूद देश भर के हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले एक महीने से जमे हैं। सबकी मांग यही है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार इसे मानने को राजी नहीं। सौरभ कुमार और दिव्या अग्रवाल के साथ कुंदन सिंह, दिल्ली न्यूज 24।